subscribe to MS Motovlogs and press the bell icon so you never miss an update on future videos. So good morning guys, right now we are in Dawki and last night we stayed in these tents. This is Dawki River and the bridge you are seeing is about 200 meters in length. This in it was constructed in 1992. Right now this is monsoon season, so the water is green in color. But when you visit this place in other season like summers and in winter, the water is crystal clear and it looks amazing. This place is actually famous for that thing only. Yeah. How's it, man? Amazing! See these view, guys. This is just amazing. And you can see that bridge is shaking. We have reached Krang Suri Falls. This is the way. Aage, aage, laga, aage, aage. Right now I am at Krangshuri Falls and it's in Meghalaya, which is 25 kilometers from Dawki. You can see how beautiful is the fall. वीडियो मत ज्यादा जा रहा जा जान दे ओ भाई साहब मैं भी आ रहा हूं ये फ्लोट कर रहा है रुक जा एक मिनट इसको ऐसे पकड़ दो ओ दोस्तों, वक्त आ गया है मेघालय को अलविदा कहने का और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का, जो कि है त्रिपुरा। फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम इन जोवाई एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन। गुड मॉर्निंग गाइस, समीर हियर एंड यू आर वाचिंग एमएस मोटोव्लॉग। फ्रेंड्स, सो अभी मैं हूँ सिलचर में एंड आई स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड मधुवन गेस्ट हाउस। तो जो रेट्स पड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप पड़े और बहुत ही अच्छा स्टे रहा मेरा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी बात की और सर्विस वगैरह अच्छी है इनकी। सो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ऊनाकोटी के लिए, जो कि लगभग यहाँ से 4 से 5 घंटे की राइड है। और जो सिलचर में मेरा आना हुआ वो था परमिट की वजह से, बिकॉज मिज़ोरम का परमिट मुझे नहीं मिल पाया था शिलोंग से,
So I visited Silchar for the permit. और कल थोड़ा सा मैं यहाँ लोकल में भी घुमा. कल दशहरा था और दशमी थी, तो दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत ही ह्यूज होती है, बहुत ही ज़बरदस्त दुर्गा पूजा होती है. सो वो भी देखी मैंने, बहुत ही मज़ा आया. तो बस बाइक इज़ ऑल सेट, अब निकल रहे हैं यहाँ से और देखते हैं लंच कहाँ पे करते हैं अभी. और तो लेट्स गो. पता नहीं है गूगल बाबा कहाँ से लेके जा रहा है. टी एस्टेट के अंदर से रास्ता जा रहा है नरसिंहपुर करके. कल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसी की वजह से थोड़ा सा कीचड़ है रोड पे. अदरवाइज़ आज का मौसम तो काफ़ी साफ है. कैसे भाई? हाँ. क्या नाम भाई आपका? शांतु सागर भाई. आपके YouTube चैनल देता हूँ इसीलिए. मजा मस्ती. हाँ मजा मस्ती. सेल्फी 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 सेल्फी. सो आई मेट दिस गाइस. ये कौन सा रोड पड़ता है? ये कलासरा. ये नरसिंहपुर रोड है. नरसिंहपुर रोड है. एक वीडियो आ जाए छोटा मोटा इधर. हाँ वीडियो चल रहा है आपका, आप लोगों का आ गया है. ओके अब ये व्लॉग पे आएगा. व्लॉग पे आएगा क्या? हाँ आएगा आएगा. ब्रेक सिंगल ब्लॉग वाला सिंगल. हाँ सिंगल ले लो. इन सबके साथ आ जाओ ना. सब 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 गाइस सब आ जाओ. छाती खोलू क्या? देख रो एक मिनट. कैमरा वो चल रहा है ना अभी, वैसे भी ले लेंगे. So, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं कभी कभी राइड पर. और कुछ देर बात करी मैंने उनसे, तो बता रहे थे कि दिल्ली में काफ़ी सारे व्लॉगर्स के वो व्लॉग देखते हैं. बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. सो गाइज वी हैव एंटर्ड त्रिपुरा और स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक. और ये जो विलेज है इसका नाम है झरझरी. एंड रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला, जहाँ भी पूछा सिर्फ राइस थे. और बहुत दिन हो गए लगातार राइस खाते हुए, तो मज़ा नहीं आया कुछ. तो इसलिए मैंने लंच नहीं किया आज, सिर्फ एक दो टी ब्रेक लिए. बस यहाँ से जो है पीछे एक पुल पड़ता है, यू कैन सी ये ट्रक से पीछे एक पुल पड़ता है. सो पुल के उस साइड असम एंड वैसे आप रोड क्रॉस करेंगे. सो यू आर एंट्रिंग त्रिपुरा. और यहाँ से जो ऊनाकोटी का डिस्टेंस है वो है लगभग 40 किलोमीटर्स. सो लेट्स सी, चाय पी के निकलते हैं फटाफट से. तो पीछे एक छोटी सी चेक पोस्ट है त्रिपुरा की, तो जैसे ही आप असम से त्रिपुरा एंटर करते हैं यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है. सो बस निकलते हैं अब 2 मिनट के अंदर फटाफट से चाय पी के.